यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बंबई से आने वाली गाड़ी 8 बजे अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पर पहुंचेगी। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे चश्मा वाले भाई साहब, अरे भाई साहब, ओ सुनता ही नहीं है, अरे भाई साहब, ध्यान दें, उदयपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 7 से अभी कुछ ही क्षणों में रवाना होने वाली है। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, ओ चश्मा वाला भाई साहब, अरे बाबा जी, लोग, अरे भाई साहब, अरे मैं 1 घंटे से इस प्लेटफॉर्म में चक्कर लगा रहा हूँ पर। हाँ तो भाई साहब, तो चक्कर लगा रहे हो तो अच्छी बात है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं भी सुबह 2 चक्कर दुक्कड़ के बरगद के पेड़ के लगाता हूँ। अजी आप मेरी बात तो सुनिए, तो फिर मैं और करके आ रही हूँ। नहीं नहीं, वैसे तो आप मेरी बात सुन रहे हैं लेकिन। अरे लेकिन क्या, जब बात सुन रहा हूँ तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि बात तो सुनिए। अजी आप समझे नहीं। अच्छा, बहुत अच्छे है, मतलब आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। आप सोचते हैं कि आप जैसा बुद्धिमान कोई आया ही नहीं। अरे यार आप जाइए प्लीज यार। ए जाइए प्लीज का क्या मतलब, मैं कोई अपनी मर्जी से आपके पास आया था, आपने खुद मुझे आवाज देकर बुलाया था। अरे गलती हो गई तो माफ करो। ये स्टाइल ठीक है, ये स्टाइल ठीक है। और सुनो, आइंदा कभी ऐसे मत बुलाना। नहीं बुलाऊंगा, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। आपने मुझे बुलाया क्यों था ये तो बताइए। हे भगवान, देखिए भाई साहब, बाबा जी मैं इतना जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस कहाँ पर है। क्यों जी, क्यों क्या मतलब है? भाई तुम क्यों पूछना चाहते हो कि इंक्वायरी ऑफिस का मतलब पता क्या है? अरे मुझे काम है। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या काम है? अरे भाई मैंने कहा ना मुझे काम है। अरे फिर भी। अजी क्या फिर भी, मुझे कोई भी काम हो आपको क्या मतलब? अरे वाह, आप मुझसे पता पूछ रहे हैं कि नहीं? पूछ रहा हूँ। तो फिर मुझे ये तो पता होना चाहिए कि आप पता क्यों पूछ रहे हैं। अरे भाई मैंने कहा ना मुझे काम है। हाँ तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि वो काम क्या है। अरे यार तुमको पता बताना तो बताओ यार, नहीं तो मुझे माफ करो। अरे आप नाराज हो गए। मैं क्या करूँ, पता बताने में क्या ऐतराज हो सकता है, अभी बता देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद? अच्छा आपके पता बताने का धन्यवाद। लेकिन भैया मेरे, अभी मैंने बताया कहा तुम्हें। नहीं मेरा मतलब ये था कि आप पता बताने को राजी हो गए ना इसलिए। अरे मेरे भैया अभी राजी तो हुआ हूँ, पता बताया थोड़ा ही है, और अगर अभी नहीं बताऊँ तो आपका धन्यवाद बेकार चला जाएगा। देखो भाई, धन्यवाद बताने के बाद में जब आगे ठीक है, देखो यहाँ से सीधे सीधे, हाँ सीधे, हाँ सीधे जाओ। जाऊँ फिर दाएं मुड़ो। दाएं मुड़ू, ठीक है। फिर 10-12 कदम चलने पर तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा। अच्छा, फिर उसमें दाई तरफ मुड़ जाओ। दाई तरफ मुड़ जाऊँ? हाँ। मुड़ गया। फिर 10 कदम आगे चलो। ठीक है। फिर 10 कदम पीछे चलो। है? अरे 10 कदम आगे चलूं, फिर 10 कदम पीछे चलूं, मैं चलूं ही क्यों? बच चलो, खड़े रहो। अरे भाई साहब आपका जल्दी है। भाई आप कह रहे हैं कि मैं चलूं ही क्यों, तो फिर मैं पता बताऊं ही क्यों? अरे मेरा कहने का मतलब ये है बाबा जी, जब 10 कदम आगे चलना हो फिर 10 कदम पीछे चलना हो तो चलने से क्या फायदा? आपको पता मालूम करना है या नहीं? अरे करना है तो फिर चलना ही पड़ेगा। ठीक है बाबा जी, बताओ आप। तो उसके बाद सामने एक वजन तोलने की मशीन आएगी। अच्छा, फिर बस उसके बराबर ही किताब की दुकान है। किताब की दुकान? पर किताब की दुकान से क्या मतलब? अरे मतलब क्या, किताबों की दुकान मतलब जहाँ किताबें मिलती है। अरे तो मुझे किताबों की दुकान से क्या लेना देना, मुझे तो इंक्वायरी ऑफिस का पता चाहिए। अरे वही तो बता रहा हूँ, उन किताबों की दुकान के सामने ही इंक्वायरी ऑफिस है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनिए, अब क्या हो गया? वाह भैया वाह, ऐसे ही चल दिए,
एक शरीफ आदमी ने अपना कीमती वक्त लगाकर तुम्हें पता बताया और तुम उसका धन्यवाद भी नहीं कर सकते। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत एहसान किया है मुझ पर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है अब ठीक है, अच्छा तो मैं चलूँ। अच्छा जी भाई साहब, 10 कदम आगे 10 कदम पीछे, 10 कदम पीछे। धन्यवाद। हे भगवान, कैसे कैसे लोग मनाता है। आठवीं था तीन गति का समाचार। ये रहा दरवाजा, वो रही बदन तुलने की मशीन, वो रहा इंक्वायरी ऑफिस। बॉस अंदर बैठे हैं। भगवान, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। गुड मॉर्निंग सर। क्या क्या कहा तुमने? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। घड़ी है तुम्हारे पास? घड़ी? हाँ घड़ी है ना। क्यों? अरे घड़ी का ताल्लुक है घड़ी। हाँ घड़ी है ना। क्या टाइम हुआ? 12:30। 12:30। हाँ। फिर गुड मॉर्निंग क्यों? गुड आफ्टरनून क्यों नहीं? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू। जाओ सर। सर अब क्या है? सर मैं आया हूँ। आप आए हैं ये तो मैं देख रहा हूँ, आपकी फोटो उतरवाऊ। नहीं सर वो बात ये सर। हाँ ये सर ये लीजिए, ये लीजिए सर, ये लीजिए। ये क्या है? ये सर मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट या जन्मपत्री? अरे जन्मपत्री नहीं सर, मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। सर मेरी ड्यूटी लगी है सर। अच्छा 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 अच्छा, नए नए आए हो? यस सर। आज पहली दफा? हाँ सर। और पहली दफा ही लेट? 2 घंटा से भी ज्यादा। वो सब वो रास्ते में सर, रास्ते में। रास्ता नाश्ता कुछ नहीं, तुम लेट हो, मान लो कि तुम लेट हो। हाँ सर वो तो मैं मानता हूँ सर, मैं लेट हूँ, लेकिन सर वो बात ये कि जब मानते हो कि लेट हो तो फिर ये लेकिन वेकिन क्यों लगा रहे हो? अब वो सर बात ये सर, वो मैं कह रहा था। अच्छा अच्छा छोड़ो, वहाँ उस कुर्सी पर बैठना है तुम्हें, इस पे। ठीक है सर। हाँ हाँ बैठ गया सर। हाँ अब ये पूछताछ का दफ्तर है। यस सर पूछताछ का दफ्तर। हाँ किसी भी यात्री को उसकी मांगी गई पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। यस सर। समझ गए? समझ गया सर। और हर यात्री से बड़े प्यार से, धीरे से और मुस्कुरा कर बोलना है। जी सर। तो फिर शुरू हो जाओ। हाँ सर। क्या हो जाओ? हाँ तो सर कोई पूछेगा तो बोलूंगा ना। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ पूछो। आपकी पूछताछ की खिड़की कब खुलती है? जी मुझे क्या पता कब खुलती है, मैं तो आज ही आया हूँ। खा गए ना कच्चा? जी हाँ टेम्पर लूज कर दिया तो? अभी समझाया था बड़े मुस्कुरा कर प्यार से बोलना है। खड़े हो जाओ सीधे। अच्छा सर मुस्कुरा कर। हमको मुझे पता नहीं साहब कब खुलती है, मैं तो आज ही आया हूँ। ये दांत क्यों दिखा रहे हैं आप? अरे हंसने के साथ जरूर ये क्या कि दांत दिखाओ? अच्छा सर मुंह बंद करो। मुझे पता नहीं सर, मैं तो आज ही आया हूँ। अब क्या हुआ, पेट में ऐठन हो रही है या किसी ने गला दबा दिया? अजी मैं बोल लूंगा साहब, आप ठीक है मैं देख लूंगा। कोई बात नहीं, पसीना पहुंचो। अबे मेरा नहीं अपना पसीना पहुंचो और उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। ठीक है साहब। खिड़की खोल लो और अपना काम शुरू करो। हाँ, कोई दिक्कत हो तो मेरे पास मेरे कैबिन में आ जाना। आ जाऊंगा सर, बिल्कुल आ जाऊंगा, आपके कमरे में आ जाऊंगा सीधा ही। मैंने कोई लतीफा कहा है? नहीं तो फिर हंसे क्यों? वो तो मैं यूं ही हंस रहा था सर, वो अभी कहा था ना हंसके। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा, खिड़की खोलिए और अपना काम शुरू कीजिए। ठीक है तो मेरे पास आ जाना। हाँ सर आ जाऊंगा। क्या आदमी है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। अरे वो पकौड़े वाले। क्या बाबूजी? कैसे देते हो भैया पकौड़ी? इतना भी नहीं मालूम कैसे देते हैं पकौड़ी, कागज में बांध के ऐसे देते हैं बाबूजी। अरे ओए मेरा मतलब है क्या भाव देता है? 250 रुपए की 10 किलो। कितनी तू? 250 रुपए की 10 किलो 5 यार 100 ग्राम कितने की देता है? अब खुद हिसाब लगा लो बाबूजी, गणित नहीं आती है क्या? अबे तो मैं कोई गणित का हिसाब लगाने बैठा हूँ क्या यहाँ? खैर छोड़, 100 ग्राम पकौड़ी दे। नहीं दे सकता। नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। क्यों भाई क्यों नहीं? भाजी नहीं दे सकते। अरे खत्म हो गई है इसलिए नहीं दे सकता भाई। खत्म हो गई? अब खत्म हो गई तो फिर चिल्ला क्यों रहा था अभी, पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम। बाबू जी दिन भर ऐसी चिल्ला देने से आदत पड़ गई, मैं तो ऐसे ही कर रहा था पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम। हे भगवान, अरे कोई ढंग का आदमी मिला दे, पता नहीं कौन से ग्रह के आदमी मिला। हे भगवान, अल्लाह के नाम देते बेटा। हे प्रभु, कहाँ ड्यूटी लग गई? अरे बेटा भाई, वो बारात आने वाली थी,
आ गई क्या? कौन सी बारात चला रहे? वो दूल्हा कहाँ है? ये दूल्हा सर। बेटा नाराज क्यों होता है? और दूल्हे का बाप तो है बाप। अरे दूल्हे की माँ चले आजा बाहर जा चल। अल्लाह तुझे सलामत रखे। हे भगवान, चोर है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में? शहर पर पाए तेरा सत्कार हो जाए। राम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा। मैं पूछ रहा था क्या इंक्वायरी ऑफिस यही है? हाँ हाँ यही है। क्यों? मतलब पूछताछ नहीं होती है? अरे यही होती है। भाई साहब, इस शहर में अच्छी से अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं? कपड़े? हाँ हाँ कपड़े, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा धोती वगैरह कहाँ मिलते हैं? मुझे क्या पता भैया कहाँ मिलते हैं? पता नहीं, कमाल है। क्या कमाल है? ए भाई साहब, आप बता सकते हैं इस शहर में अच्छे से अच्छे जूते कहाँ मिलते हैं? जूते? हाँ जूते, काले भूरे लाल नीले, पैर में पहनते हैं जूते। अरे मुझे मालूम है पैरों में पहनते हैं, लेकिन भैया जूतों से मुझे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए आप, मुझे अपनी पत्नी के लिए हार खरीदना है, कहाँ से खरीदूं? अबे तू तेरी पत्नी के लिए कहीं से भी हार खरीद यार, चोरी का डाका डाल, मेरे से कहाँ पूछ रहा है? अब इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पूछताछ, तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? अबे तो इस पूछताछ का मतलब है रेल में पूछताछ, यार रेलों के बारे में पूछा जाता है। ओ, रेलों के बारे में पूछा जाता है? हाँ। भाई साहब, ये रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? मेरे घर पे बनते हैं। घर पे बनते हैं डिब्बे? हाँ। तो भाई साहब ऐसा करना, एक रेल का इंजन घर भेज देना, मुन्ना खेल लेगा। खेल लेगा? अबे डब्बे कहाँ बनते हैं, रेल का इंजन बाहर कहाँ बनता है, इस बात से मुझे क्या लेना देना? तो भाई साहब गुस्सा काहे को होते हो, रेलों के बारे में ही तो पूछ रहा हूँ ना। अबे तो रेलों के बारे में पूछने का मतलब है रेलों के आने जाने के बारे में पूछना। ओ, रेलों के आने जाने के बारे में पूछना? हाँ। भाई साहब, ये रेल आती क्यों है? अबे यात्रियों को लेने आती है बाबा जी। तो गुस्सा क्यों होते हो? है? फिर जाती क्यों है? उन्हें लेकर जाती है, पर तुझे कहाँ जाना है? मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो यूं ही टाइम पास करने आया था। टाइम पास करने आया था? तो कैसे? भाई साहब इंजन भेज देना। टाइम पास करने आया था? अजी भाई साहब जी, अजी भाई साहब जी, अजी भाई साहब जी, क्या बात है भाई साहब, क्यों हाँफ रहे हो आप? अरे पांच नंबर के पेड़ों से बक्कर आ रहा हूँ भाई साहब जी। अरे ऐसी क्या आफत आ गई यार? मैं जाना चाह रहा था भाई साहब जी, ये भोपाल ये जो उदयपुर जाने वाली ट्रेन है भाई साहब जी, कितने बजे जाती है? उदयपुर जाने वाली भाई साहब जी, एक उदयपुर जाना जी भाई साहब जी। अरे देख के बता रहा हूँ भाई, ये ठाकुर तो कहा भाई साहब, जल्दी बताओ जी। उदयपुर जाने वाली ट्रेन आई जाए जी भाई साहब, बता रहा हूँ भैया। अरे भैया वो तो 11 बजे जाती है, वो तो गई गई। हाँ गई। अरे उदयपुर जाने वाली ट्रेन? अरे हाँ भाई उदयपुर जाने वाली ट्रेन। ओ, जो पांच नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है भाई साहब जी वो? अरे हाँ भाई, पांच नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, गई वो ट्रेन। आप समझ नहीं रहे, सेवन डाउन है वो, पूछ रहे हो? मुझे मालूम है सेवन डाउन है, सेवन डाउन है, पांच नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, उदयपुर जाती है, 11 बजे जाती है ट्रेन। गई गई क्या? हाँ गई। अच्छा भाई साहब, क्या अच्छा भाई क्या ट्रेन? अजी भाई साहब जी, क्या है अजी, कहीं शंटिंग करने तो नहीं गई है? अब शंटिंग करने वो 9 बजे जाती है भाई, और अभी 12:30 बज चुके हैं, ट्रेन गई। अरे तो नियम थोड़ी, कभी लेट भी तो जाती होगी ना। अरे आज नहीं हुई लेट, मतलब चली गई। चली गई, ठीक है भाई साहब। क्या ठीक है? ओ भाई साहब जी, अरे अब क्या है भाई? अजी कहीं ऐसा तो नहीं वो दूसरे प्लेटफॉर्म में खड़ी हो, आपको पता ही नहीं हो? हम तो पागल है, हम तो यू ही ड्यूटी पे आ गए। अबे यार ये रजिस्टर क्यों रखा है यहाँ, काहे के लिए रखा होता है? इसमें देख कर बताया ना मैंने, गई ट्रेन गई। क्या? हाँ गई। ठीक है भाई साहब, पता नहीं कैसा आदमी भाई साहब जी। अरे अब क्या है यार, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? कोई चीजा जी लगता है मेरा, तो भाई है मेरा, दोस्त है, मैं क्यों मजाक करूंगा? देर दे कहते तेरे से उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई तो गई। खाओ मेरी कसम, तेरी कसम भाई, तेरे पिताजी की कसम, अरे तेरे पूरे खानदान की कसम दादा, उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई।
वास्तव में गई क्या भाई साहब? वास्तव में गई यार, सच्ची में गई। सच्ची? मैं सच्ची गई, रियली में गई। अरे उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई बाबा। ठीक है भाई साहब। भगवान क्या करूं। अजी भाई साहब जी, अरे मेरे बाप, अब मैं उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई। नहीं वो तो आपने बता दिया गई, तो मैं पूछ रहा था पूरी गई क्या? आधी खड़ी है बाहर। आधी खड़ी है ना, खुली। अब आधी ट्रेन कैसे जाएगी? ट्रेन तो पूरी जाती है। पूरी जाती है? हाँ। फिर तो इंजन भी गया होगा। क्या आदमी, अबे इंजन के बिना ट्रेन चलेगी कैसे यार? इंजन ही तो ले जाता है ट्रेन को। गार्ड का डिब्बा भी गया क्या भाई साहब? अबे गार्ड के डिब्बे, डाक के डिब्बे, सारे डिब्बे गए भैया, तो चलने देगा जब? पहिए भी गए क्या भाई साहब? अब कौन से चरण का बदला ले रहा है यार? अरे पहियों के बिना ट्रेन चलेगी कैसे? भाई साहब मेरा उदयपुर जाना जरूरी है, मैं छत पे बैठ के चल जाऊंगा। अरे तो जब ट्रेन ही नहीं है तो छत कहाँ से आई? क्यों, छत भी जाती है क्या ट्रेन के साथ? नहीं भाई साहब, वो छत तो क्या ट्रेन के पीछे पीछे चलती है। मैं भी ये सोच, ट्रेन में ही तो लगी होती है छत। अच्छा भाई साहब आप कह रहे तो मान लेता हूँ। कान होगी लगा दी पहले दिन तो पौड़े पौड़े लोग मिल रहे। ओ भाई साहब जी, अरे अब क्या है यार, कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो सकता क्या? एक इंतजाम तो हो सकता है भाई साहब। क्या भाई साहब? ऐसा करो आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं ले जाता हूँ उदयपुर। ऐसे तो देर हो जाएगी। देखो तेरा कह रहे क्या, कोई इंतजाम नहीं हो सकता समझे? चलो ऐसे। अजी भाई साहब मैंने टिकट लिया था, ट्रेन कैसे चली गई? अरे ट्रेन का टाइम हो गया भैया और तुम लेट हो गए इसलिए चली गई। नहीं मैंने टिकट लिया था भाई साहब। मेरा टिकट लिया था, तू भगवान हो गया क्या? कोई देर से कहा ना उदयपुर चलो ट्रेन गई, अब चलो ऐसे। अजी भाई साहब आप ऐसा कीजिए, ट्रेन को वापस बुला लिए, मैं लटक कर चला जाऊंगा। ट्रेन वापस नहीं आ सकती समझे? अरे कैसे नहीं आ सकती, ये तो आप रेल वालों की धांधली है। रेलवे, हाय हाय रेलवे। ये क्या कर रहे हो यार? देखो आप मेरे को उदयपुर भेजो, नहीं तो मैं ऐसे नारे लगाऊंगा। तो मैं देखो उदयपुर कैसे भेजू? अरे कैसे भेजो, आपको क्या है कि एक आध डब्बे बाद में भेजने चाहिए ताकि लेट आने वाले पैसेंजर को असुविधा ना हो। हाँ भाई साहब मैं आपकी सलाह है ना रेल मंत्री तो पहुंचा दूंगा। अरे लेकिन मैं अभी उदयपुर कैसे जाऊँ? और तू कैसे जाए यार, मैं क्या करूँ इसे? हाँ साहब एक काम हो सकता है, अरे आप बस से चले जाओ। बस से नहीं मैं तो ट्रेन से जाऊंगा। ट्रेन तो चली गई, तो मुझे लेकर क्यों नहीं गई? तो गलती हो गई भैया, रेलवे वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप मुझे बताइए मैं उदयपुर कैसे जाऊँ? अरे मैंने कहा ना दादा बस से चला जा। अरे आज देर बस से चला जा यार, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, कोई पैर पड़ू बस से चला। आरती जानते नहीं, जय जगदीश भाई साहब, बस से चले जाओ यार। ठीक है भाई साहब, अब आप इतना कह रहे हो तो मैं बस से चला जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। अब बोलो आप मेरा एक काम करोगे क्या? कहिए। वो बस स्टैंड थोड़ा दूर है यहाँ से, छोड़िए हम आपको। नहीं नहीं आप फोन करके एक टिकट बुक करा दो मेरा। फोन करूँ? हाँ भाई साहब। हाँ एक मिनट रुको भाई साहब, नंबर क्या है वहाँ का? दो चिपे बस स्टैंड 26-21-22। मैं ये बता रहा था। 26-21-22। हाँ भाई साहब जरा सा। अरे उठा ले रे। हेलो, हाँ बस स्टैंड से। हाँ साहब ये मैं पूछ रहा था साहब, ये उदयपुर जाने वाली कोई बस है क्या? हैं? नहीं भाई साहब मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधा ही हूँ। नहीं वो प्रॉब्लम है कुछ भाई साहब आज। हाँ मैं पूछ रहा था भाई साहब उदयपुर जाने वाली कोई बस की क्या है कि वो टिकट विकट मिल सकती है क्या? उदयपुर जाने वाली बस गई हट? ठीक है भाई साहब, भाई वो उदयपुर जाने वाली बस तो गई। ऐसे पूछो वास्तव में गई क्या भाई साहब? वास्तव में गई क्या जी? वास्तव में गई। ऐसे पूछो पूरी गई क्या? वो तो पूरी। अबे तेरी तो इधर आ तू। जाना नहीं जी तेरी पकौड़ी। बाबू मैं तो पकौड़ी बेचने थोड़ी आया हूँ। तो क्या करना है फिर? मैं तो मैसेज दे दिया हूँ। मैसेज देना? क्या मैसेज देना भाई? वो जो सामने खंबे के सारे खड़ा ना सारा लेके। कहाँ पे? वो सामने खंबे के देखो ना। वो क्या कह रहा है वो? उससे पूछवाया कि उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई क्या? ये कोई नौकरी है? मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं अभी इस्तीफा दे देता हूँ। सर 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 क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है? ये लीजिए सर, ये लीजिए, ये लीजिए सर, ये लीजिए। क्या है? ये सर मेरा इस्तीफा।
अरे लेकिन दफ्तर के कुछ कायदे कानून होते हैं। जी कायदे कानून क्या होते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। कायदे वायदे और कानून वानून तुम्हें मैं चार... तो जानता हूँ, ये मेरा इस्तीफा है। अरे भैया इस्तीफे के साथ चार्ज देना पड़ता है। चार्ज देना पड़ता है? हाँ। यहाँ भी हाँ। कितना चाहिए बोलो, क्या चाहिए बोलो। अरे रे, अरे ये वाला चार्ज नहीं तो? हैंडिंग ओवर नोट में लिखना पड़ेगा तुम्हें कि उदयपुर वाली ट्रेन गई क्या। हाँ गई।